यूपी के जनपद हापुड़ के सिंभावली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित लोकसभा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने सिखेड़ा में स्थित फार्म हाउस पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसका संचालन राजीव सिरोही जिला महामंत्री ने किया। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कंवर सिंह तंवर ने कहा है कि देश में सबसे सर्वाधिक विकास करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इस पार्टी ने एक नारा दिया कि सबका साथ और सबका विकास। यह नारा धरातल पर छाप छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2024 में होने जा रहा है भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने तय है, इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के साथ चुनाव में मेहनत करनी है। प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने यह भी कहा कि मेरी लोकसभा गढ़ अमरोहा का हर कार्यकर्ता अपने आप को सांसद कंवर सिंह तंवर ही समझकर ही मेहनत करनी है, ताकि मेरी लोकसभा का हर कार्यकर्ता जीतकर दिल्ली संसद तक पहुंचना है। आज ये जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की अपनी मीटिंग थे, कार्यकर्ता आए पूरे गढ़ विधानसभा के, पूरे गढ़ विधानसभा के हमारे सभी कार्यकर्ता थे। बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। और आज एक हमने एक मुहिम छेड़ी है, भाई आज दो महीने पहले हमने सभी भाइयों को एक वादा किया था, भाई अपने यहाँ से हम डेली के दो बस, मतलब 100 से 105 आदमी डेली भगवान राम के दर्शन कराएंगे, अयोध्या बसों को भेजेंगे। तो आज जो जाएंगी वो कल रात तक वापसी आ जाएंगी, मतलब दो बस डेली की यहाँ से पूरे जिले से जाएंगी, पूरी लोकसभा से हर दिन दो बस। ये बसें जो जाएंगी ये कब तक जाएंगी? अभी हमारे पास 6000 रजिस्ट्रेशन है, तो 6000 लोगों को पहले हमारी बहनें जा रही हैं भगवान राम के दर्शन, भगवान राम के दर्शन करने जा रहे हैं सब निःशुल्क, उसमें कोई किसी का खर्चा नहीं है। उनको आदर से बड़ी इज्जत से उनके लेके आते हैं और उनको दर्शन कराकर उनके घर तक उनको घर छोड़ते हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, चरण पर है, तो इसके लिए क्या लोगों के लिए कोई जो है विशेष कुछ देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? नहीं, अब लोकसभा का चुनाव चालू हो गया है। माननीय मोदी जी ने कुछ आपने देखा ही होगा, जो हमारे विकास के काम चल रहे हैं, जितना काम माननीय मोदी जी ने कर दिया है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। और जैसे मैं अभी मेरा टिकट डिक्लेयर हो गया, पहले मैं जो देख रहा हूँ क्षेत्र में एक ही आवाज है, बस माननीय मोदी जी के अलावा और कुछ नजर नहीं आता लोगों को। और मेरे जो सेवा है मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन इस बार बहुत तगड़ी जीत होगी उत्तर प्रदेश से। जो हम सोच रहे थे पहले कि भाई हमारी जो 80 लोकसभा है, तो इस बार मेरे को तो लगता है 80 के 80 NDA को जाएंगी, BJP को जाएंगी और ये हम सब जीतेंगे। ये जनता का मन बना के बैठी।